दोस्तों आज मैं आपको ना अपने देसी तरीके से राबड़ी कैसे बनाते हैं। एक रबड़ी होती है वो दूध से बनती है और ये राबड़ी बनती है, हरियाणा में बनती है लस्सी से। ये मैंने इधर पानी उबालने के लिए रख दिया था और इसमें मैंने थोड़े से बिल्कुल इस दलिए का चौथा हिस्सा चावल धो के और इसमें डाल दिए। और इधर इसको मैंने दलिए को भून लिया है और इसको अब डालेंगे इस पानी में और इसको 90% उबाल लेंगे। वैसे तो राबड़ी जो होती है प्रॉपर घाट की बनती है, पर घाट नहीं है, मैं जी इसे दलिए से बना रही हूँ। ये ठंडी होती है, इसको गर्मी में पिया जाता है। इसको अभी बनाएंगे और सुबह पियेंगे। तो अब इसको 90% पका लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। इसमें हमने डाली लस्सी, लस्सी के बाद बेसन, ये हमारा दलिया पक गया है। अब इसमें हम ये लस्सी में हमने बेसन मिलाया था, इसको ऐड करेंगे। इसको चलाते जाना है ताकि ये फटे नहीं। मेरे दो ही हाथ है तो मैं तो सिम गैस करके ये कर दिया। इसको चलाते जाएंगे जब तक एक उबाल नहीं आता। इसको उबालेंगे, ज़्यादा नहीं, मतलब बस एक बार उबाल आ जाए, 10-12 मिनट। उसके बाद इसको सुबह पियेंगे। इसमें बर्फ़ डाल के मैं सुबह दिखाती हूँ आपको कैसे पीते हैं। अब इसको ऐसे ही पकाएंगे 10-12 मिनट के लिए। ये उबलने लगी है, थोड़ा सा उबाल आ गया है। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। बस और इसको अच्छे से उबाल लेंगे और फिर गैस को बंद करके इसको ढक के रख देंगे और इसको सुबह पियेंगे। ऐसे इसको बस 5 मिनट और बॉईल करना है, बस इसको इतना ही पकाना है। और अब इसको ढक के गैस बंद करके और ढक के रख देना है। ये बन गई है, अब इसको ढक के और गैस बंद करके रख देंगे। सुबह हो गई है और ये है हमारी राबड़ी। ये कम इसलिए हो गई, मैं खा ली थी इसमें उसे गरम गरम। इसमें हम डालेंगे लस्सी, इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि लस्सी डाले तो नमक कम हो गया होगा। स्वाद अनुसार जितना पतला पीना चाहे उसको पीते हैं। इसको ऐसे ही पतला करके फ्रीज में रख के बाद में पी सकते हैं, और अभी समय है तो इसमें थोड़ी सी बर्फ़ डाल सकते हैं। पीने के लिए तैयार है, वैसे भी पी सकते हो और पतला भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट में बताएं आपको ये कैसी लगी।